चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से भी ज्यादा प्रभावशाली। इस साल 2023 में 100 साल बाद बन रहा है अद्भुत महासंयोग। चंद्र ग्रहण और बुध पूर्णिमा एक साथ, सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद लगने वाला यह साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 राशियों की चमका देगा किस्मत। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, चंद्र ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही यह साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण आपके नाम और आपके राशि के ऊपर बहुत कुछ प्रभाव डालने वाला है। तो इस वीडियो में अपन पूरी कंप्लीट जानकारी चंद्र ग्रहण से जुड़ी जानने वाले हैं, और साथ ही चंद्र ग्रहण के दिन किए जाने वाले एक ऐसे आसान से उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिसको अगर आपने चंद्र ग्रहण के दिन कर लिया ना तो 100% आपकी जो गरीबी है, आपकी दरिद्रता है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होने लगेगा। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए आपको बता दें मित्रों कि साल 2023 का पहला जो चंद्र ग्रहण है वो 5 मई 2023 के दिन लगने जा रहा है। मित्रों, साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 100 साल बाद आके ऐसा अद्भुत महासंयोग बन रहा है ना, जिस पर यह जो चंद्र ग्रहण है वो बुध पूर्णिमा के दिन लग रहा है, बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन। और मित्रों, ज्योतिष आचार्यों की अगर माने तो ऐसा महासंयोग मिलना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ माना जाता है। इस प्रकार यह जो चंद्र ग्रहण है ना, उसका महत्व कई गुना और भी ज्यादा बढ़ चुका है बैसाख पूर्णिमा के कारण। मित्रों, साल 2023 का यह चंद्र ग्रहण भारत के साथ ही अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। चलिए बात करते हैं साल 2023 के पहले चंद्र ग्रहण के समय की। तो 5 मई के दिन शाम को 8:44 से यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो कि अर्ध रात्रि को 1:02 तक रहेगा। यानी कि ग्रहण की जो अवधि है ना वो कुल 4:15 की होगी, और रात को 10:52 पर यह जो चंद्र ग्रहण है वो अपने पीक बिंदु पर यानी कि उच्चतम बिंदु पर होगा। मित्रों, आप सभी को यह पता ही होगा कि चंद्र ग्रहण के 12 घंटे पहले से ही सूतक काल शुरू हो जाता है, और सूतक काल शुरू होते ही ग्रहण का प्रभाव भी शुरू हो जाता है। और हिंदू धर्म के अनुसार ग्रहण की जो यह गतिविधियां है ना वो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होती है, और इस बार का जो ग्रहण है ना वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, बैसाख पूर्णिमा बुध पूर्णिमा के दिन लग रहा है। ऐसे में ग्रहण के दिन किए जाने वाले दान पुण्य का महत्व भी कई गुना तक ज्यादा बढ़ चुका है। चलिए जान लेते हैं ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गो माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गो माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गो माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गो माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है, और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार चंद्र ग्रहण के इस खास अद्भुत और महासंयोग के अवसर पर एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाएंगे, और उसको जगह जगह घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रूपए, जो भी मित्रों आप सहयोग करना चाहो, आप इस QR को जरूर कीजिएगा। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, और बदले में जो साक्षात आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा, और यही कटू सकती है।
चलिए मित्रों, आपको बता दें कि साल 2023 का जो यह पहला चंद्र ग्रहण है वो अद्भुत और खास होने जा रहा है। ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी अगर बात करें तो चंद्र ग्रहण के इस अद्भुत महासंयोग के अवसर पर दोस्तों अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर कीजिए और ग्रहण का जो प्रभाव होता है ना वो थोड़ा नकारात्मक रह जाता है। ऐसे में ग्रहण काल के दौरान ना तो खाना चाहिए और ना ही पीना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए और भोजन करना भी नहीं चाहिए। पति पत्नी को भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। उसके अलावा आपको बता दें मित्रों कि चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें और साथ ही आपको बता दें चंद्र ग्रहण का जो असर होता है ना वो हमेशा ही नेगेटिव ही होता है। ऐसे में नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आप ग्रहण काल के दौरान गायत्री मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और साथ ही आपको बता दें जैसे ही ग्रहण खत्म होना तो उसके बाद नहा धोकर तैयार हो जाएं और अपने घर पर गंगा जल या गोमूत्र से छिड़काव जरूर करें जिससे ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपके ऊपर से हट जाए। इस बार का ग्रहण जो है वो दोस्तों अद्भुत और महासंयोग भी माना जा रहा है। चलिए जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के इस अद्भुत महासंयोग के अवसर पर कौन कौन सी राशियां भाग्यशाली होने जा रही है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है मिथुन राशि। मित्रों बुध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण पर राज लक्ष्मी गजयोग बन रहा है, इसके कारण मिथुन राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा और इनको आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ ही सभी कार्यों में पॉजिटिव परिणाम भी मिलेंगे। नौकरी और व्यवसाय में भी खूब तरक्की होगी, खूब सारा लाभ मिलेगा। मित्रों अगली राशि के बारे में जानते हैं, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं, तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करने के बावजूद भी हमेशा गरीब ही रह जाते हैं, यानी कि जीवन में वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। तो ये कुंडली का दोष भी हो सकता है और अगर आप भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए मित्रों चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी कर्क राशि। तो कर्क राशि वाले लोगों को बिजनेस में बहुत ही स्वर्णिम अवसर मिलने की संभावना है। गज लक्ष्मी राजयोग आपको अपने भाग्य का पूरा साथ दिलाएगा और खूब सारा धन लाभ भी होगा। अगली राशि आती है कन्या राशि। तो चंद्र ग्रहण के इस शुभ अवसर पर गज लक्ष्मी राजयोग से कन्या राशि वाले लोगों को भी भरपूर लाभ मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो आप अच्छा मुनाफा कमाने में भी सफल होंगे। अगली राशि आती है तुला राशि। तो गज लक्ष्मी राजयोग का फायदा तुला राशि वालों को भी मिलेगा। आपके कई रुके हुए काम पूरे होंगे, बिगड़े हुए काम भी बनेंगे और हर एक क्षेत्र में आपको धन का लाभ होगा। अगली और अंतिम राशि आती है मीन राशि। दोस्तों राहु और गुरु की युति बनने से गज लक्ष्मी राजयोग से मीन राशि वाले लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और पुराने कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों।